हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू होपिंग यू आर वेल एंड डूइंग अ ग्रेट इन टूडेज नीट 2021 एग्जाम माई सेल्फ गोविंद केमिस्ट्री फैकल्टी एट रेजोनेंस सेंटर कोटा आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ अर रेजोनेंस फैमिली टूडे वी आर हियर टू सी द सोल्यूशंस ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्जाम मैं जानता हूं आज उन बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट दिन है जो आज इसी पेपर के लिए कितने दिनों से मेहनत कर रहे थे

ये आपका टू ब्रोमो पेंटेन वन टू थ्री फोर फाइव आपसे पूछा है टू एक दो तीन चार पांच इस प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या आपको कौन से स्टेप के थ्रू ये प्रोडक्ट आपका मेजर बना तो देखो ये क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है यहां से भी बीटा ये रहा अल्फा ये बीटा पोजीशन है इस बीटा दोनों बीटा पर एच है तो या तो बीटा ये एच जाके इस बी को बाहर करे एलिमिनेट या फिर ये वाला एच जाए और इस बी को बाहर करे अगर ये वाला एच जाएगा तो एल्किन यहां बनेगी और सेकंड वाला एच जाएगा तो एल्किन यहां बनेगी जो यहां ये एल्किन बन रही है ये आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है

सेकेंड क्वेश्चंस देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस आपके पास मेजर प्रोडक्ट पूछा है इस केमिकल रिएक्शंस का देखो सिंपल क्वेश्चन था केवल आपको इसका जो ये रिएजेंट है उसके थ्रू आपको पहचानना था कि कौन सी रिएक्शन है देखो एल्कीन है एचबीआर का एडिशन है किसकी प्रेजेंस में बस ये पहचानना था आपको अगर इसको मैं ओपन करके लिखूं तो देखो ये क्या बनेगा आपका परऑक्साइड बॉन्ड है और ब्रेक परऑक्साइड इजीली बॉन्ड ब्रेक होता है और ये रेडिकल में बॉन्ड टूटेगा तो आपका एच बी आर का एडिशन रेडिकल परऑक्साइड की प्रेजेंस में कौन सा इफेक्ट इफेक्ट होता है खरास और खरास इफेक्ट क्या होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल तो सिंपल इस एल्कीन पर एच बी आर का एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्यों क्योंकि ये रिएजेंट क्या है परऑक्साइड है तो एंटी एंटीमार्कोनिक में क्या होता है इस पर जो पॉजिटिव पार्ट है वो लेस

चलो सिंपल क्वेश्चन था ये भी बस आपको पहचानना था कि मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ एच बी है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड थर्ड क्वेश्चन आपके पास है आपके पेपर के अकॉर्डिंग सिक्सटी नंबर है क्वेश्चन का द कंपाउंड विच सो मेटामेरिज्म देखो मेटामेरिज्म की अगर बेसिक डेफिनेशन पता है तो इस क्वेश्चन को आप बिना स्ट्रक्चर बनाए भी आप अप्रोच कर सकते थे कैसे आपको चार फॉर्मूले दे रखे हैं आपसे पूछा है कौन सा मेटामेरिज्म शो so करेगा मेटामेरिज्म होता क्या है आपको पता है किसी फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अगर एल्काइल ग्रुप को मैं डिफरेंट कर दूं तो वो मेटामेरिज्म शो so करता है यहां पर देखो C5H12 है तो कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं तो मेटामेरिज्म तो शो so होगा ही नहीं एक ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हुआ अब एक बात सोचना यहां पर C3H8 है यहां पर C3H6O है और यहां पर C4H10O है क्या आप थ्री कार्बन के साथ क्या कहीं भी एल्काइल वेरिएशन कर सकते हैं नहीं नॉट पॉसिबल तो थ्री एल्काइल थ्री कार्बन के साथ तो एल्प एल्काइल वेरिएशन कर ही नहीं सकते तो मेटामर में क्या है हमें डिफरेंट एलकाइल ग्रुप चाहिए अराउंड फंक्शनल ग्रुप तो सिंपल बाय सिंपल डेफिनेशन ऑफ मेटामर आप ऐसे इसको एलिमिनेट कर सकते थे और फोर कार्बन से आप वहां पर आप एलकाइल की वेरिएशन कर सकते हैं अलाउंड फंक्शनल ग्रुप तो मेटामर कौन सा करेगा आपका थर्ड ऑप्शन देखो C4H10O आप एक इथर फंक्शनल ग्रुप के अराउंड इधर इथाइल है और इधर प्रोपाइल है दोनों तरफ देखो एल्काइल का डिफरेंस है जब एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो वो मेटामॉर्फिज्म शो करते हैं तो कौन सा शो करेगा आपका C4H8O नॉट C3H12 C3H8O एंड C8 C3H8O भी नहीं करेगा C3H6O भी नहीं करेगा मतलब जिन कार्बन के जिस फॉर्मूलों में थ्री कार्बन है तो वहां पर एल्काइल का वेरिएशन नहीं कर सकते तो मेटामेरिज्म नॉट पॉसिबल ड्यू टू नो वेरिएशन इन एल्काइल ग्रुप तो आपका आंसर कौन सा होगा C4H10O बेसिक अगर डेफिनेशंस अगर पता थी ना फंडामेंटल टर्म्स का तो आप कर सकते थे इसमें अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस पूछा आपका बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड आपको पता है हैलोजंस वेरिएशन करके रखे हैं कार्बन ब्रोमीन यहां पर सीएल है पहले और ये आपका आयोडीन है तो आपको पता है नी टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो यहां पर देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्स चार क्लोरीन की अप्रोक्स थ्री पॉइंट फाइव की अप्रोक्स टू पॉइंट एट आयोडीन की अप्रोक्स टू पॉइंट फाइव के समथिंग कार्बन की समथिंग समथिंग 2.5 के अप्रोक्स तो देख रहे हो जितना इस कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड में जो डिफरेंस है उस बॉन्ड को डिसोसिएट करने में तो सिंपल कहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है सबसे ज्यादा सी एक्स बॉन्ड सीसीएल बॉन्ड सी बॉन्ड एंड सीआई बॉन्ड तो ऑर्डर क्या होगा सी फ्लोरिन वाला क्लोरीन वाला, ब्रोमीन वाला ब्रोमीन और आयोडीन वाला अगर हम वाइज चले तो देखो सी एफ सी और फ्लोरिन किलोजूल को जबकि एनर्जी उसका 485 किलो किलो जूल पर जब CL के लिए थ्री ट्वेंटी एट सी बी आर के लिए टू सेवेंटी सिक्स सी ओ के लिए टू फोर्टी तो सिंपल कोई भी आपको आंसर बस इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर पता होता तो आप आंसर इजीली कर सकते थे तो इसका आंसर है फर्स्ट फ्लोरीन इज मोर ग्रेटर देन 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 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है आपका गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट आपके पास दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट वन है एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग्स टू क्लास ऑफ नार्कोटिक एनालिटिक्स दूसरा स्टेटमेंट है मोरफिन एंड हीरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनल तो देखो सिंपल आपको पता है जो एनल होती है ना ये दो टाइप के होते हैं नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक जो नार्कोटिक्स होते हैं ना वो आपके एडिक्टिव टाइप के ड्रग्स होते हैं जैसे मोरफिन हो गया हीरोइन हो गया और जो नॉन नार्कोटिक्स होते हैं वो आपका पैरासीटामोल हो गया और कौन सा एस्पिरिन हो गया तो आपको दो स्टेटमेंट दे रखे थे क्या स्टेटमेंट वन में एस्पिरिन एंड बिलोंग टू क्लास ऑफ नार्कोटिक जबकि नहीं यहां तो और कोई बिलोंग कर रहा है तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है दूसरा मोर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनलिक्स हां ये आपको बस उल्टे करके दे रखे थे तो ऑप्शन सेकंड भी गलत है ऑप्शन फर्स्ट भी गलत है तो आपका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स चलो एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल आर नॉन नार्कोटिक एनलजेसिस वेयर एज मोरफिन एंड हीरोइन आर नार्कोटिक एनलजेसिक्स तो सिंपल था आपको देखो ये भी क्वेश्चन डायहेड्रल एंगल आपको पूछ लिया है किसमें लीस्ट स्टेबल कंफर्मर ऑफ इथेन में आपको पता है जब हम कंफर्मेशन ऑफ इथेन एलकेन के जब पढ़ते हैं तो एक स्टेगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसके बाद गॉज उसके बाद आपका पार्शियली इक्लिप्स और उसके बाद सबसे जो लेस स्टेबल होता है वो फुल्ली इक्लिप्स होता है अब इक्लिप्स की बात करें तो इक्लिप्स क्या होगा जब आपके फ्रंट कार्बन और ब्रेक कार्बन की जो बैलेंसी है वो जस्ट आपके एक दूसरे के पैरल आ जाती है क्योंकि इथेन पूछा था तो आपका ये H ये इथेन हो गया आपको पूछा है डायहेड्रल एंगल इन लिस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर डायहेड्रल एंगल क्या होता है कि कोई भी फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच के जो बैलेंसी होती है ना उन दो बैलेंसी के बीच का एंगल होता है डायहेड्रल एंगल तो कैसे अगर मान के चलो मैं ये H है फ्रंट कार्बन ये रहा वन मान लेता हूं इसको टू ये वन और इसका बैक कार्बन आपका टू मान लिया ये रहा और ये एच आपका ये रहा तो देखो ये जो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन इसका हाइड्रोजन और बैक वाले हाइड्रोजन तो क्या इन दो हाइड्रोजन के बीच में कहीं इंटरसेक्ट हो पा रहा है? रहा है है कोई एंगल आपको दिख नहीं दिख रहा तो सिंपल है ये कहीं ना कभी मिलेंगी नहीं क्योंकि इनके जो बैलेंसी है वो आपस में पैरेलल है दोनों बॉन्ड फ्रंट और बैक तो यहां पर जो बॉन्ड डायहेड्रल एंगल होगा वो हमेशा जीरो ही होगा तो सिंपल इसका आंसर था कि डायहेड्रल एंगल किसमें लिस्ट कंफर्मर ऑफ इथेन दैट इज लिस्ट कंफर्मर ऑफ इथेन इज इक्लिप्ड फॉर्म और उस इक्लिप्ड फॉर्म में फ्रंट कार्बन की बैलेंसी बैक कार्बन की बैलेंसी के साथ पैरेलल है और उन पैरेलल दोनों बैलेंसी के बीच में जो एंगल है उसको हम डायहेड्रल एंगल बोलेंगे और वो आपका पैरेलल है तो वो जीरो होगा देखो ये रहा डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर इज जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंपल क्वेश्चन है पॉलीमर से विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रपेर्ड बाई एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। देखो दो, दो मोड होते हैं या तो एडिशन होगा या आपका कंडेंसेशन होता है एडिशन कब होगा कब देखो जब भी मोनोमर यूनिट ऐड होती है तो बिना कोई भी ग्रुप आपका वहां से एलिमिनेट होता है कोई ग्रुप बाहर नहीं जाता है। कोई भी सबस्टेंस बाहर नहीं जाता जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर में कुछ ना कुछ अमाउंट सबस्टेंस का कोई भी स्मॉल ग्रुप लीव एज ए लिविंग ग्रुप बाहर जाता है तो आपके पास यही पूछा है कि इन चार में से कौन सा एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करेगा नाइलॉन सिक्स नोवाले डेक्रोन आपको पता है नाइलॉन सिक्स सिक्स क्या होता है एडेपिक एसिड एंड कैप्रो

एसिड के साथ ये दो अलग अलग हैं तो फिर से इन दोनों में कंडेंसेशन होगा कुछ ना कुछ बाहर जाएगा जबकि आपका जो टेफ्लॉन है टेट्रा -फ्लोरो -इथीन, ये आपका क्या है टेट्राफ्लोरोन ये कैसा है कंपाउंड है और जब भी किसी भी पॉलीमर के जो मोनोमर अनसेचुरेटेड होते हैं अगर उन अनसेचुरेटेड से मोनोमर से मेरे को पॉलीमर बनाना तो वो ऑलवेज एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं तो आपसे सिंपल ये पूछा था इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमराइजेशन करेगा तो टेफलॉन इज द आंसर दैट विल अंडरगो अ एडिशन पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म अ पॉलीमर देखो टेफलॉन इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन सो इट पॉलीमराइज एंड गिव एडिशन पॉलीमर सिंपल था टेफलॉन इज द आंसर देखो सिंपल है दो कंसेप्ट एक साथ जोड़ दिए ग्रिगनार्ड का यूज पूछ लिया एप्लीकेशन ऊपर से आपको IUPAC पूछ लिया सिंपल आयुपीएस था व्हाट इज द एस नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन आपको एसिटोन था ग्रिगनार्ड का रिएक्शन था और आपको प्रोडक्ट का आयुपीएससी नेम पूछा था चलो एसिटोन कीटोन ये रहा ग्रिगनाड

फाइव लग गया आपके पास वर्कअप दे रखा है तो क्या होगा ग्रिगनाड एल्कोहल आके एच लेके एल्कोहल बन जाएगा अब इसका आपको आई नेमिंग नेम ही पूछा था इसको एक्सपेंड करके लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो देखो नंबरिंग कहां से करोगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े वन टू थ्री और फोर इधर जाओगे तो तीन कार्बन की पेरेंट चेन इधर जाओगे तो चार मैक्सिमम पेरेंट चेन चाहिए मेरे को देखो मैक्सिमम पेरेंट चेन तो नंबर क्या हो गया टू पर मिथाइल और टू पर क्या है देखो टू मिथाइल बर्ड रूट कितने का चार का तो ब्यूट सेचुरेटेड है इन और टू ऑल क्योंकि इधर ए ई आई यू है तो इधर से आने वाला ई e आपका ओमिट हो जाएगा तो ब्यूटेन टू ऑल इसका आई नेम होगा जो कि आपका आंसर थर्ड है सिंपल क्वेश्चन था आपको दो तीन कंसेप्ट एक साथ जोड़ दिए और वो भी कंसेप्ट कोई हार्ड नहीं था ग्रिगनाड का एप्लीकेशन पूछ लिया कार्बोनाइल पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन जो भी एल्कोहल बना उसका आपको आयुपीएससी नेम पूछ लिया चलो देख लो वन टू फोर सिंपल आईपीसी नेम था चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे पूछा है क्वेश्चन है आपके पास द आरवीसी रेड ब्लड सेल डेफिशियं इज डेफिशिय डिसीज ऑफ मतलब आपके ब्लड में ब्लड की बॉडी में जो ब्लड की कमी होती है ना तो वो किस विटामिन के कारण होती है तो आपको अगर पता है बायोलॉजी के स्टूडेंट तो ऑब्वियसली आपका डेफिनेटली ये क्वेश्चन सही हुआ होगा तो विटामिन बी ट्वेल्व जो होता है उसकी कमी के कारण आपके पास जो ब्लड की बॉडी में जो होती है वो कमी हो जाती है जिससे आरबीसी की कमी हो जाती है तो इस विटामिन बी ट्वेल्व से कौन सी एक जो आपके पास डिसीज है वो आ जाती है आपके पास परनीसियस एनीमिया ऑल नो इस कमी के कारण विटामिन बी ट्वेल्व से यह आपकी कमी हो जाती है और यही डिसीज आपके पास आरबीसी जो रेड ब्लड सेल से उनकी कमी कर देता है दैट बॉडी बॉडी की कमी कर देता है एनीमिया मतलब में ब्लड का कम होना तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके कारण डिफिशियंसी होती है आरबीसी की दैट इज विटामिन बी तो आरबीसी इज डेफिशिये डिसीज ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व पर आपके पास परनिशियस एनीमिया जो विटामिन बी ट्वेल्व की कमी के कारण होती है उसका एनिमिया का मतलब ही यही होता है कि ब्लड में ब्लड की कमी बॉडी में तो दिटामिन बी ट्वेल्व इज नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द कंपाउंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड विच डिजोल्व इन एल्कलाई ये स्टेटमेंट जो लास्ट में है इस पर फोकस करना रिएजेंट विच गिव सॉलिड डिजॉल्व इन एल्लाई आपको पता है, जो होता है वो वन डिग्री टू डिग्री सोलिड देता है वो आपका उस बेस में सोल्यूबल हो जाता है जबकि टू डिग्री इन सोल्यूबल होता है बेस में और थ्री डिग्री रिएक्शन ही नहीं करता क्योंकि उसके पास अनबल एच और एच की कमी होती है तो सिंपल आपको वो बताना है वो डिग्री ऑफ अमाइन बतानी है जो सॉलिड फॉर्म करती है और डिजॉल्व होती है एलकलाई में दैट मीनस वन डिग्री अमाइन सॉलिड बनाता है सॉलिड सब कंपाउंड बनाता है और जो एलकलाई में डिजॉल्व भी होता है तो ऐसा कौन सा होता है वो होता है आपका वन डिग्री अमाइन तो देखो ये टू डिग्री अमाइन नहीं थ्री डिग्री अमाइन नहीं ये एनओ टू बिल्कुल नहीं तो वन डिग्री अमाइन इज द आंसर सिंपल था बस आपको टेस्ट पता होना चाहिए था कि हिंसवर्ग कौन किस अमाइन के साथ क्या प्रोडक्ट देता है तो देखो हिंसवर्ग रियज यूजेंटीफाइंडक्ट विदर्ग रियन व्हाइट इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आईपीएस फिर से पूछ लिया करेक्ट स्ट्रक्चर अब की बार उसने आईपीएससी नेम दे रखा है और स्ट्रक्चर पूछा हुआ है अगर स्मार्टली आप देखेंगे ना तो केवल एक चीज पकड़ लो फोर्थ इन चार नंबर पर आपको डबल वन चाहिए ऐसी पेरेंट चेन चार डबल चाहिए अगर आप किसी से भी चलोगे एक दो तीन चार यहां पे आ रहा है हो सकता है यहां पर आप से भी चलोगे, चार नंबर पर, पर इन तो मिल ही नहीं रहा ये भी काट दो अब दो पॉसिबिलिटी बची अब आपको देखो डेक दस कार्बन के लिए पूछा गया है दस कार्बन की पेरेंट चेन लेते हुए फोर नंबर पर एल्किन वाला स्ट्रक्चर देखो कौन सा है अगर यहां से आप लोगे तो एक दो तीन इधर से आ रहा है फोर, तो डेफिनेटली आपको अगर ये चाहिए तो यहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अरे भाई दस का चाहिए आ सेवन का रहा है तो डेफिनेटली गलत तो आप देख रहे हैं ना कुछ पकड़ लो इस स्ट्रक्चर से और देखो आपको सिंपल ऑप्शन भी उसने ऐसे अरेंज किया कि अगर थोड़ी सी भी आपने स्मार्टनेस दिखाई तो आपको जरूरी नहीं कि पूरा ही आना ही चाहिए। अगर थोड़ी सी भी आपने अगर अगर पकड़ ली क्वेश्चन की, तो तो ऑप्शन आसानी से आप पहुंच सकते थे। नंबरिंग देखी जाए, तो देख लो। एक ये जो कि सब्सटीट्यूंट है कौन कौन से पोजीशन पर टू और सिक्स पर सबसे पहले हम सब्सटीट्यूंट का नेमिंग करते कितने कार्बन है डेक कौन से नंबर पर इन लगा है फोर पर तो सिंपल सा था टू कॉमासिक्स डाइमिथाइल डेक फोर इन इज योर करेक्ट आईपीएस नेम ऑफ गिवन क्वेश्चन तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर देखो चलो मैच देखो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है हो सकता है आपको चार ऑप्शन ना मिले पर इनमें से एक दो ऑप्शंस तो ऐसे हैं वो हर बच्चे ने पढ़े ही होंगे कहीं कही ना कहीं देखो पहला है आपका SO2 एंड O2 गिव्स आउट SO3 अब बताओ SO2 एंड O2 ये क्या है स, सल्फर के ऑक्साइड हैं और ये कहां मिलते हैं दो ही लेयर होती हैं या तो एट स्ट्रेटोस्फीयर और या एक होती है आपके पास जो एटमॉस् एट ए, क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर

एनओ टू गिवस आउट एनओ एंड ओ अब ये बताओ ये सिंपल अब क्या बचा एक तो स्मोक बचा और आपको पता है जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्मोक फॉर्मेशन के लिए सिंपल सा है तो इसका आंसर हो गया स्मोक वाला सेकेंड मींस फर्स्ट का फोर्थ तो सिंपल आपका आंसर सेकेंड आंसर हो गया इन में से अगर सारे ऑप्शंस अगर नहीं भी पता थे ना तो दो तीन अगर ऑप्शंस पता होते एक दो उनसे भी आपको कॉलम मैच कर सकते थे आराम से एनसीआरटी से बिल्कुल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से था एसओ टू एंड थ्री ट्रोपोस्पियर पॉल्यूशन एचओ सी एल एंड गिव्स आउट सी एलिकल देगा टू दैट आर रेस्पॉन्सिबल हीट लाइट दैट इज NO एंड ओ दे आर अ स्मोक फॉर्मेशन मीन दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मोग तो सिंपल मैचिंग था कोई एक दो अगर पता होते तो आप कर सकते थे देखो फिर से मैचिंग आ गया ऑर्गेनिक में सिंपल सिंपल आपको रिएक्शंस थी ये हर किसी के नोट्स में ऑलरेडी लिखी होती हैं सिंपल रिएक्शंस थी देखो बेंजीन का सीओ एक्सलसीएल थ्री जब हम लोग देखते हैं अगर सीओ होता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है गाटरमैन कोच रिएक्शन पहले का सेकंड ये कौन सी रिएक्शन है देखो जब भी कभी ये मोइटी होती है और NaOH और X2 हेलोजन की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है हेलोफॉर्म रिएक्शन कहीं है हाँ थर्ड रिएक्शन थर्ड ऑप्शन इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन देखो ये रहा अल्कोहल ये रहा एसिड और एसिडिक मीडियम में अल्कोहल और एसिड जब भी एसिडिक मीडियम में क्या रिएक्शन करते हैं दैट इज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन तो देखो सिंपल चौथा रिएक्शन ये तो हर बच्चे को ही पता होती है ये देखो जब भी आपके पास हेलोजन इन रेड फॉस्फोरस के साथ होती है तो एसिड के अल्फा कार्बन पर जो होता है वो हेलोजन आके लग जाता है तो ये कौन सी रिएक्शन होती है हेल ये सिंपल आपका एक ही बचा था फर्स्ट तो देख रहे हो ना इनमें से दो चार दो तीन ऑप्शन तो ऐसे थे वो सब लोग पढ़ के जाते हैं तो आप मैच कर लो इसका पहले का सेकेंड पहले का सेकेंड थर्ड आंसर इज द करेक्ट दैट इज गार्टरमेन कोच रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन ईस्टिफिकेशन रिएक्शन एंड एच रिएक्शन सिंपल था देखो गार्टरमेन कोच पहला इस सीओ सी एस थ्री एन यू एक्स के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन एस अल्कोहल एंड एसिड गिव्स ईस्टिफिकेशन एंड एसिड विद हेलोजन रेड फॉस्फोरस गिव एच रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन है एच सिंपल क्वेश्चन चलो देखो वेरी फेमस नेम रिएक्शन फ्रॉम कार्बोनइल कंपाउंड दैट इज इटार्ड रिएक्शन आपसे कुछ नहीं पूछा उसने आपसे वो पूछा है कि इस टॉलवीन से क्या इंटरमीडिएट बनेगा कि बेंज़ल बेंजलहाइड फॉर्मेशन हो सिंपल इटार्ड रिएक्शन है क्या बनेगा देखो ये आपका इंटरमीडिएट बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स वाला जिसमें क्रोमियम लगा होता है ये बनता है आपका इंटरमीडिएट अब आप उसने क्या बोला है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कौन सा होगा जो ये देखो ओ यहां एच यहां ओ OH. एच ये ऑक्सीजन वाला एच और ओ OH. एच तो आपका क्या बन गया इस कार्बन पर हाइड्रोलिसिस के बाद दो ओ OH एच आ गए और आपको पता है एक कार्बन पर दो ओ OH एच वाटर मॉलिक्यूल बाहर तो वॉटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा क्या फॉर्म करेगा सी एच डबल ओ दैट इज बेंजल्डिहाइड तो आपका क्या इंटरमीडिएट बना जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स वाला यहां देखो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ही नहीं देखा कितना क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ही नहीं एक ही ऑप्शन था जो क्रोमियम आपको दिख रहा था दैट इज फोर्थ आंसर तो इट इज अ वेरी फेमस रिएक्शंस फ्रॉम कार्बोनाइल चैप्टर दैट इज इटार्ड रिएक्शन इन विच टॉलवीन कन्वर्ट टू सिंपल सी एस थ्री ग्रुप कन्वर्ट टू एल्डिहाइड ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड सी टू सी एल टू सीआरटी में क्लियरली क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बता है इंटरमीडिएट इन रियक्शन देखो आपको देखो एसिड का कोई सॉल्ट दे रखा है किसकी प्रेजेंस में बेस की प्रेजेंस में हीट किया है तो आपको एलकेन बन रहा है और एन ए टू सीओ थ्री बन रहा है पूछा क्या क्या है कंसिडर दिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रियजेंट देखो ये जो

अब रेड फॉस्फोरस इन दो में आप कंफ्यूज हो सकते हो तो आपने पढ़ा होगा कि जो CA होता है वो क्या करता है करता है और यहां परेशन ऑफ दिस कंपाउंड इन टू रिएजेंट मिसिंग है वो क्या है लाइम दैट इज सी ए सीओ थ्री सोडालाइम डिकारोक्सलेशन रिएक्शन आपको हुई थी तो आप थोड़ा अगर दिमाग से खेलते ना तो इन ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते थे अगर आपको थोड़ी बहुत रिजेंट या इनके बारे में आपको जानकारी थी तो आपका जो आंसर है वो है सी कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज देखो इट इज अम डिकार्बोक्सीन सो एन यू एच एंड सी एज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द दॉल्ट ऑफ एसिड इन टू तो आपका जो आंसर था वो था कैल्शियम ऑक्साइड सी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रिएजेंट आर आपको कोई रिएजेंट दे रखा था आर और पूछा था सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छा ये रिएजेंट आपका पूछा था इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में कि क्या होगा देखो एनएन टू एस सी एल क्या बनाएगा इस एनएस टू को डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा बना दिया ये बना बनाइए ऑलरेडी अब इसकी आर के साथ ऐसा कौन सा रिएजेंट है कि इस डायजोनियम सोल्ट को रिमूव करके सिंपल आपका एच आ जाए तो दो रिएजेंट होते हैं जो कि एनसीआरटी में क्लियरली मेंशन है एक एल्कोहल एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड द्री पीओ टू एंड सी टू एच फाइव ओ एच तो इसमें आपको ऑप्शन में ये CUCN सी एन गलत एच टू ओ गलत एच आई इज ऑल्सो गलत तो केवल एल्कोहल वाला ऑप्शन था तो वो करेक्ट है तो दोनों ऑप्शन दोनों रिएजेंट के थ्रू आपका डायजोनियम सोल्ट बेंजीन में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है क्योंकि आपको एल्कोहल वाला मेंशन था तो दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन देखो रिएजेंट आर इज आइदर एल्कोहल सी टू एच फाइव और एस थ्री पीओ टू विच इज रिड्यूस्ड टू डायजोनियम सोल्ट इन टू बेंजीन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रिएजेंट से क्वेश्चन है आपको अगर इस एन फोर का काम पता है क्या होता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे NABH क्या होता है? एक agent, किस किस को करता है एक करेगा आपका एल्डिहाइड को एक करता है आपका कीटोन को और दूसरा एसिड हेलाइड को क्योंकि ये आपका क्या है कीटोन है और ये क्या है आपका ईस्टर है ये एन फोर केवल इन तीन को ही पर्टिकुलरली सेलेक्टिव रिड्यूज करता है तो ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा इस कार्बोनाइल को रिड्यूस करके एल्डिहाइड में भेजेगा तो कौन सा यहां पर इसने देखो गलत कीटोन और ईस्टर दोनों को रिड्यूस कर दिया यहां भी ईस्टर को रिड्यूस कर दिया यहां भी देखो ईस्टर को रिड्यूस कर दिया जबकि केवल एक ऑप्शन है जो Easter को रिड्यूस नहीं किया देख रहे हो ऑप्शन ऑप्शन आपको केवल अगर पता है, तो में उसने ऐसा वेरिएशन नहीं किया जिससे आप कंफ्यूजन में आओ अगर सिंपल पता है कि सिंपल्टी का क्या काम है तो आप सीधे आंसर केवल केवल तो आपका आंसर थर्ड देखो एनएच फोर एलडीहाइड को एज इट इज रखा कीटोन को एल्कोहल में शिफ्ट कर दिया तो इस तरीके से आपके ये ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन थे जो हम सोल्यूशन उनके लेके आए होंगे आई होप आप लोगों का अच्छा पेपर गया होगा वेस्ट विशेष अगेन फ्रॉम माई साइड एज वेल एज फ्रॉम रेजोनेंस फैमिली साइड थैंक यू